तो गाइस देखिए नीचे ये गाड़ियों की इंडस्ट्री है, यहाँ पुरानी गाड़ियाँ बेची और खरीदी जाती हैं। मतलब एक तरह से ये जो है स्क्रैप का काम होता है। पहले मेरे मामा जी करते थे, अब उनके बेटे ये वाला काम करते हैं। तो गाइस मामा जी का घर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये बिल्कुल नया घर है और मतलब ये 3-स्टोर 4-स्टोर बिल्डिंग इन्होंने बिल्कुल बनाई है और बहुत बड़ा मतलब घर बनाया है। मतलब मैं जहाँ तक मैं रहती हूँ कि हम करोड़ों रुपए थे इस मकान को बनाने में लगे ही होंगे आई थिंक। गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं आई हूँ अपने मतलब मामा जी के घर में। वहाँ पे हमारे जो किसी दावत है और वहाँ पे कुरान खाने की मतलब इसलिए हमें बुलाया था क्योंकि उन्होंने अपना घर जो है नया घर बनाया और वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया है, इसलिए मतलब उन्होंने छोटा सा खाना पीना किया था तो हमें भी बुलाया था तो हम वहाँ पर आए हैं। तो गाइज मैं आपको उनका मतलब जो भी है घर की पलक इसको आपने मेरी पहली वीडियो में देखा है, मैंने थंबनेल लगाया। तो गाइस किचन बहुत बड़ा है, कुछ इस तरह से दिखता है। इस टाइम हम सभी जो है किचन में ही बैठे हुए हैं। और गाइस ये मेरी बुआ जी हैं और ये मतलब बहुत ही अच्छी नाते गाते हैं मतलब गाने। तो देखिए यहाँ पर भी इनकी महफिल जो है जम गई है और अपने ही मस्ती में मस्त हैं। कोई जोर से ऐसा हो जाओ तो गाइस इस टाइम दुआ का टाइम हो गया है और देखिए सारे मदरसे के बच्चे आ गए हैं, मौलवी जी भी आ गए हैं और औरतें भी अलग रूम में दुआ करने के लिए बैठ गए हैं और हम भी सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए रूम का जो व्यू है कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस देखिए ये है लिविंग रूम और लिविंग रूम भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया है, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। और देखिए यहाँ पे सारी औरतें जो हैं इकट्ठी बैठी हुई हैं और अपनी गपशप कर रही हैं और मतलब अपने ही दुनिया में मस्त हैं। किसकी कोई बात चल रही है, किसकी कोई बात चल रही है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब आती है खाने की बारी। तो देखिए खाने में सबसे पहले हमें आया है ज़र्दा और ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है और जिन्होंने बनाया है उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कितना अच्छा ज़र्दा बना हुआ है। और इसके बाद हमें आएगा मटन, और क्योंकि मटन और चावल जो है खाने में आज बना हुआ है तो देखिए सभी खा रहे हैं और खाना आना स्टार्ट हो गया है अब। तो देखिए मटन कुछ इस तरह से बना है और बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, मतलब खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और देखिए मैं भी इस टाइम खाना खा रही हूँ और मतलब मुझे तो खाना खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो
गाइस देखिए अब यहाँ पे सब जो है किचन में इकट्ठे हो गए हैं और सबकी अपनी टिकड़म चली हुई है अलग अलग। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारी मेरी बहनें हैं, मेरी मासी की बेटी, मेरी मामा की बेटी और एक मेरी भाभी है। और ये मेरे लिए जो है आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़न की बात हो गई और मतलब सब हंसने लगे और सबके हंस के पेट में दर्द लग गई। देखिए बुरा हाल है सभी का। तो गाइस देखिए मेरे यहाँ पे मेरे मामा जी बैठे हैं और मेरे नाना जी बैठे हुए हैं। ये नाना जी हैं मेरे, जो नानू जी थे उनके भाई हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे मास्टर जी बैठे हुए हैं। हेलो बोल दो। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए कचकच का माहौल जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा, सब आपस में बहुत ज़्यादा मतलब गपशप गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो गाइस ये हैं मेरे बड़े मामी जिनके घर में हम आए हुए हैं और ये भी अपने विचार कुछ शब्द कुछ कहेंगी आगे वीडियो में। और मेरी वीडियो ठीक है मीनू, बाय बाय, सी यू, ओके ओके, खाना पीना हमारे घर पे। हाँ जी आप अगर बहुत अच्छा बनाया है, खाना भी बहुत अच्छा बना था, ठीक है, मीठे चावल बहुत अच्छे बने थे, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो गाइस अब वीडियो बंद करती हूँ, आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।